टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो में के का मान ज्ञात करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। मूल बराबर है, मूल कैसे है, बराबर बराबर को लिखते रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर के का वैल्यू फाइंड करना, रूट्स आर इक्वल की पोजीशन, रूट्स आर इक्वल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। सबसे पहले इसको इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जनरल इक्वेशन है, एक ही सीध में दो है तो ए बराबर टू, बी बराबर बच्चों के सी बराबर तीन। चैप्टर चार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर मूल बराबर है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर कर दो। अब बी का वैल्यू क्या है बच्चों, के का स्क्वायर फोर, ए का वैल्यू मैंने निकाला दो, सी का वैल्यू तीन जीरो, के स्क्वायर चार दुनी आठ चौबीस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अब माइनस का चौबीस बच्चों उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस चौबीस, और घात हट जाऊंगी तो रूट बन जाऊंगी, प्लस माइनस अंडर रूट चौबीस। एक आंसर आ गया, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर लाना तो चौबीस के फैक्टर करेंगे बच्चों। दो से भाग दिया बारह, दो से दिया छः, दो से दिया तीन, मैंने फैक्टर करे चौबीस के तो देखा मैंने प्लस माइनस टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। मैं देख रहा हूँ दो की पेयर है लेकिन इनकी पेयर नहीं है, तो एक दो बाहर आ जाएगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट थ्री टू जा सिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।